हाँ देखो सीटियां बजा दी लोगों ने, इधर आके बजा, इधर इधर, इसमें क्या है नीचे से खुला हुआ है ना, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है, एक मिनट, क्लोज्ड है कि ओपन है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इस तरफ से बंद है ना पीछे से, ये तो रख ले, एक मिनट तू आजा वापस आजा, बहुत सीटियां बजा रहे बेटा तू आजकल, ये तेरे से कैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अरे बस बस बस, मौका मिलना चाहिए लोगों को सीटी मारने का क्लास के अंदर। हाँ भाई आज यहां में बताएंगे पिक्चर हॉल के अंदर कैसे सीटी बजाते हैं, बजाइए गजब आदमी है यार ये हाँ एक बार और, ऐसा करना नहीं है पिक्चर हॉल में, समझ गया ना, पता लगे पिक्चर हॉल में जाके करना शुरू कर दिया, सर ने बोला था पिक्चर हॉल में ऐसे सीटी बजाते हैं, ऐसे करना नहीं है, ये असल में क्या है, ऑर्गन पाइप है, क्या है ये असल में, ऑर्गन पाइप है, अपने को पता नहीं लग रहा कि ऑर्गन पाइप है, पर देखो अपने पास ही है। अच्छा हर फूक के ऊपर ऐसी आवाज आती है क्या, थोड़ी धीरे मार फूक, नहीं आई ना, हमेशा नहीं आती, कभी कभार आती है, थोड़ी बहुत तेज मार आई, थोड़ी बीच की मार, ये सब चीजें बस आई, मतलब मौका मिले सीटी बजाने का, मतलब सारी लड़कियों से एक बार में पिटवा दूंगा मैं तेरे को, वैसे ही नजर कम आता है और नहीं आएगा, हाँ तो धीरे मार, एकदम धीरे मार फूक, नहीं आई ना आवाज, अब थोड़ी सी बढ़ाई इसको, आने लगी और बड़ा आई, अब एकदम जोर वाली बढ़िया से आई, तो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, आपने जो फूक मारी उसकी इंटेंसिटी पे, है ना, तो यहां पर जो डिपेंडेंसी हो रही है ना वो किस चीज पर हो रही है, तो बहुत बड़ा सवाल है, हर फूक के ऊपर तो आवाज आई नहीं, क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी है, क्या वेवलेंथ पे डिपेंडेंसी है, क्या है ऐसी चीज जिसके ऊपर आवाज आई और जिसपे आवाज नहीं आई। ओपन ऑर्गन पाइप कौन सा था, वो जो मैं खाली ढक्कन से कर रहा था, फू फू फू, कुछ हो ही नहीं रहा था, बंद ढक्कन से करो एकदम मजे से हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, एक्सपीरियंस भी अच्छा है इसका, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, चलो जाओ। तो ऐसा क्या है यहां पर कंसेप्ट जिसकी हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज दिस ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, वी डोंट नो, यस, पर ऐसा कुछ होता है, पता है ऐसे एक्सपेरिमेंट हम लोग स्कूल के अंदर भी करते हैं, जैसे अपन लोग बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना, रेजोनेंस ट्यूब के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है, पर तुमने तो स्कूलों की शक्ल ही नहीं देखी, तो वो स्कूल के अंदर जाओगे तब तो करोगे ही सही, बाकी मैं यहां पर भी बताऊंगा उसके बारे में, पर अभी जो चीज थी ना सीटी बजाने वाली, ये बड़ी जोरदार होती है, हमें पता नहीं होता, हम ये साउंड वेव्स के एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली कर रहे होते हैं। अब जो वाइब्रेशन इसकी फूक से यहां पर जनरेट हो रहा था, वो वाइब्रेशन वैसा ही वाइब्रेशन हम लोग किससे जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क से, जल्दी बोलो किससे कोशिश करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क से हम लोग वैसे ही वाइब्रेशन जो है ना वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं, अगर वैसे वाइब्रेशन जनरेट हो जाए उससे अच्छा क्या हो सकता है, यस और नो, तो हम यही चाहते हैं कि इससे अपने को बढ़िया आवाज आए, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो तुम सुन पाओ वो कहां से आएगी, तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर कैसी वेव बनती है बेटा, स्टेशनरी वेव, ठीक है, तो जो वेव बनती है बता यहां कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये तो फिक्स एंड है, ये पार्टिकल तो ऊपर जा नहीं सकता, तो यहां तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, जीरो, और जो ओपन एंड है यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एकदम मैक्सिमम, तो एक ऐसी वेव बनती है,